नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि मु स्वप्ना संपूर्ण खबर पूर्वरु नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे आज बिहार रे अंतिम पर्याय मतदान 15 जिला रे 78 आसन पई वोटिंग 1204 प्रार्थी को भाग्य निर्धारण करिवे 2,35,00,000 रु अधिक वोटर सकल 7 रु संध्या 5 जय मतदान केन्दुझर 27 दिन में पहुंचला श्रमिक धारणा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन खणि में मानुआल ट्रक लोडिंग बंद प्रतिवाद रे विक्षोभ श्रमिक आंदोलन को समर्थन जनाइले पद्मश्री दैतारी नायक राजधानी ट्रिनिटी हॉस्पिटल रे बंधा पड़ा शब आईसीयू रे भल अच्छी कही लुटिने लक्षाधिक टंका 19 दिन पर रोगी को मृत घोषणा कला हॉस्पिटल ढेंकानाल रे नगाड़ार नजारा विकास पोथी भितर हजि जाइछि गाँवर भाग्य मौलिक सुविधार ग्रामवासी वंचित शिक्षा स्वास्थ्य बिजुली ग्रामवासी सात सपन राज्य में विपर्यस्त विपर्यय परिचालना सरकार पाखे ना 4,000 कोटी डिजास्टर फंड हिसाब विनियोग प्रमाणपत्र देउनाहंती विभिन्न जिला और स्वास्थ्य विभाग तेज ग्राउंड में भी संगीन स्थिति क्षतिग्रस्त को एजाए मिलनी सहायता डिसेंबर 31 जाए स्कूल बंद स्कूल गणशिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश कोरोना द्वितीय लहरी को नजर रखी निष्पत्ति विभिन्न स्टेक होल्डर सह आलोचना परे निष्पत्ति स्कूल बंद सत्वे परीक्षा मूल्यायन जारी रहिबो कोरोना काल में मारुची प्रदूषण दिल्ली में उड़ुची विषाक्त वायु AQI 450 पार NCR स्थिति संगीन शासक कल एवं अर्थ बल रे विफलता नहीं सुप्रीमकोर्ट में बड़ टिप्पणी तेबे एवं आज हूँ जातीय कैंसर सचेतनता दिवस प्रति 6 जन जनकर जीवन ने महामारी तेज 2018 व्याधि नहीं 90,60,000 लोकों जीवन एथर संपूर्ण खबर आज बिहार तृतीय पर्याय मतदान तेज 15 जिले में 78 आसन पर वोट ग्रहण सकाल 7 आरंभ हो मतदान प्रक्रिया संध्या 5 जाए वोट दे पारे वोटर आज 1204 जनक भाग्य निर्धारण परीक्षा तेज ईवीएम सिल हेब एम भाग्य 2,35,00,000 रु अधिक वोट आज वोट देबे तेज संपर्कित अधिक सूचना देवे बिहार राम प्रतिनिधि इमरान खान उपस्थित अच्छा इमरान जदि कह आज बिहार अंतिम पर्याय मतदान तेज 15 जिले में 78 आसन पर वोटिंग होती सेठाकर दृश्य जेहेतु कोरोना काल में यह विधानसभा जहाँ निर्वाचन चलती तेज किभली भाव कोरोना गाइडलाइन पालन कर वोटर मैंने निज मत सब्यस्त कर तेज आज बिहार रे तृतीय पर्याय मतदान 15 जिले में 78 आसन पर वोट ग्रहण सकाल 7 आरंभ हो मतदान प्रक्रिया संध्या 5 जाए वोट दे पारे वोटर आज 1204 जनक भाग्य परीक्षा ईवीएम सिल हेब एम भाग्य 2,35,00,000 रु अधिक वोटर आज वोट देबे तेज 24 सीट उपर समस्त दलय नेता नजर रही सीट गुड़िक मुसलमान वोटर मान संख्या अधिक रही पूर्व निर्वाचन रे बीजेपी खाता को 20 आसन जाइथिला एथिसहित कांग्रेस सही 78 आसन मध्यरु 11 आसन जीतिथिला तबे आज बिहार रे अंतिम पर्याय मतदान तबे कोरोना गाइडलाइन सहित मत सब्यस्त करचंती वोटर तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे बिहार रे प्रतिनिधि इमरान खान उपस्थित अछंती इमरान जदि कहबा आज अंतिम पर्याय मत सब्यस्त करिवे वोटर माने तबे कोरोना गाइडलाइन सहित किबोली भाबे मतदान प्रक्रिया चलछि स्वप्न देखते आज हूँ गणतंत्र महापर्व हूँ बिहार विधानसभा तृतीय पर्याय शेष पर्याय मतदान से सकाल 7 मतदान प्रक्रिया आरंभ हो जाए समस्त भोटर आसिक निज निज मत सब्यस्त कर जेहेतु 78 आसन पर निर्वाचन मतदान होती 1204 प्रार्थी रही 2,35,00,000 ऊर्ध भोटर मैंने 1204 प्रार्थी भाग्य को ईवीएम कैद करते बर्तमान आम गोटे विधानसभा निर्वाचन मंडली बा दरभंगा विधानसभा निर्वाचन मंडल एक मतदान केन्द्र अच्छी सीधा सख्त दृश्य देखुवे ये
डॉक्टर मैंने सब आसिक लाइन लगुच्च कोरोना गाइडलाइन रही कोरोना कटक रही तारी समेत भोट देवाई भितर प्रवेश कर पुलिस बाहन सुरक्षाकर्मी समस्त नियोजित अच्छा सामाजिक दूरता अवलम्बन कर सोशल डिस्टेंसिंग जो पालन करोड गाइडलाइन जेहतु रही निर्वाचन आयोग पक्ष कड़ा तागिद से करपटे सुरक्षाकर्मी थर्मल स्क्रीनिंग कर जेहेतु जो मानकर टेम्परेचर अधिक थोड़ा थर्मल स्क्रीनिंग अधिक करदी लक्षण देखा जाए तो अलग कर दिजा सहित जो मैंने भितर प्रवेश कर स्वतंत्र ग्लोवस दिखाई से ग्लोवस पिंधि जाकि भोट दौरान बटन दबाते अनेपटे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी भाव में जो सुरक्षाकर्मी केन्द्रीय सुरक्षा बल बिहार पुलिस उपस्थित रही प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग कर्मचारी भितर नियोजित होती जेहेतु आप जानते हैं बिहार विधानसभा हूँ तृतीय पर्याय निर्वाचन या पूर्व दुईट पर्याय मतदान सरी जाए तृतीय पर्याय मतदान से पूरापूरी भाव में व्यवस्था कड़ाकड़ी कर 68 आसन रही 1240 जन प्रार्थी रही 2,35,00,000 ऊर्ध भोटर रोचान कोरोना गाइडलाइन जेहतु मतदान होता सब उत्साहजनक रही गणतंत्र महापर्व से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पुणी थे नवेदन कर समस्त भोटर मानक जी अधिक अधिक मात्र समस्त देखिए भोट दिंतु यही गणतंत्र महापर्व समस्त सामिल हूँ जहाँकि समस्त अधिकार रही कहीं गणतंत्र महापर्व समस्त सामिल होगापर जाए कि ही समस्त जी भोट आम सब्यस्त कर समस्त भोटर मानक मुड जापर आम या पूर्व अनेक कवरेज करेक दृश्य आम देखी सारी या पूर्व निहती भाव में जेहतु यह गणतंत्र महापर्व होती समस्त सामिल होती दृश्य देखुए ये पोलिंग कर्मचारी समस्त बस भोटर मैंने आसिक लाइन लगे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी भाव में कर भितर का प्रवेश करने दि जाऊना से कहें व्यवस्था को पूरापूरी भाव में कड़ाकड़ी करपटे जेहतु आसी हो शेष पर्याय निर्वाचन और आसंता 10 तारीख दिन जो रही गणति भोट गणति हम और संध्या सुधा फलाफल प्रकाश पाव कि बिहार में किए कर किए सरकार कर मुंडे विजय मुकुट पिंधुंट बिहारवासी जेहतु मुझ मतदान केन्द्र देखुले किसी भोटर मैंने देखुए कि महिला जुव वरिष्ठ समस्त आस भोट देखें समस्त आसिक भोट 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 देखते जेहेतु आज रही भोटिंग प्रक्रिया रही समस्त आसिकी भोट भोट रही समस्त आसिक भोट दौरान निहत भाव में भोटर मैंने देखते आसिक प्रवेश समस्ते जो कहीपर निजे निजर मन उत्साहजनक स्थिति रही है समस्त भोट देखें पूर्व आम किसी भोटर अच्छा प्रतिक्रिया नाप चेस्टा कर प्रसंग को नहीं भोट देवाई आसमें क्यों प्रसंग को नहीं भोट देते क्या सरकार शासन गति में बसे भोट देने जा रहे हैं जी सर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार भोट देने के वोट देने जा रहे हैं मन में खुशी है जिनको मन होगा उनको देंगे कोरोना के वक्त में विभिन्न व्यवस्था की गई है उसके अनुसार आप वोट देने जा रहे हैं जी तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपकी उम्मीद क्या रखते हैं उम्मीद अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं अपने आप में कॉन्फिडेंस है जिनको देना है तो और किसी भोटर अच्छे कौन कहते जेहतु कोरोना भितर से भोट देवाई जाती व्यवस्था रही कोरोना के बीच में कोरोना काल में पूरी व्यवस्था के बीच में वोट देने के लिए जा रहे हैं कैसा अनुभव रहेगा पहला वोट देने के बाद अनुभव देखिए सरकार का यह जो फैसला था कि कोरोना के बीच में मतदान कराना एक ससमय करवा लेना यह उनका काम था कि यह मतदान ससमय हो जाना चाहिए सरकार का चयन जो है सही समय पर हो जाना चाहिए सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है हमारे मतदाताओं को हम लोग जितने मतदाता आते हैं उनको यहाँ पर जो है सो थर्मल स्क्रीन किया जाता है उसके बाद ग्लव्स दिया जाता है सैनिटाइजर दिया जाता है ये सभी व्यवस्थाओं के बीच हम लोग वोटिंग करने आ रहे हैं अनुभव अच्छा है इस बार का एक नया अनुभव है कोरोना काल में हम लोग मतदान करने आ रहे हैं अच्छा लग रहा है सभी व्यवस्थाएँ अच्छी हैं और इसमें सभी मतदाताएँ अपने हौसला के साथ आ रहे हैं मतदान जिस प्रकार से पुराना हौसला था उसी हौसला के साथ पुनः अभी आ रहे हैं मतदान करने आप आ रहे हैं मुद्दे क्या रहेंगे आपके मुद्दे सशक्त सरकार हमारा यह होना चाहिए बढ़िया सरकार सशक्त सरकार होना चाहिए जिससे कि हमारे राज्य का प्रदेश का हमारे शहर गांव मोहल्ले का विकास हो हम लोग इस मुद्दे को लेके हमेशा वोटिंग करते आए हैं और आज भी इसी मुद्दे को लेके हम लोग वोटिंग करने आए हैं एक सशक्त सरकार हम लोगों को चाहिए जो मजबूती के साथ सभी काम जनता का प्रत्येक जनता का काम सशक्तिकरण से वोट परिचय पत्र दिखा देंगे यह देखते हुए परिचय पत्र रही चिरकुट रही जो पर्ची दिखा दीजिए अपना ये जो पर्ची रही सी जो पर्ची जेहतु सी बर्तमान भोट देवाई जी एठाकर भोटर जी आम सहित आलोचना करते विकास प्रसंग पाखे सब बड़ मुद्दा रही प्रसंग रही पुलिस बाहन सुरक्षा व्यवस्था रही पूरापूरी भाव देखते और दृश्य देखिए ये जो वरिष्ठ नागरिक मैंने जो भोटर मैंने रही किभ भाव में
सुरक्षाकर्मी तांकु नेकि भोटिंग केन्द्र को नेकि प्रवेश करचंती जेहेतु वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग भोटर जो मैंने आसंती सहयोग करने पुलिस कर्मी होती सुरक्षा खास करके केन्द्रीय सुरक्षा बल से नहीं भरको गेट प्रवेश द्वार सुरक्षाकर्मी थर्मल स्क्रीनिंग निजे कर दृश्य निहत भाव में कोरोना कटक मध्य एक नुआ अनुभव होती भोटर मान नुआ अभिज्ञता रही कोरोना महामारी भोट दौरान पूरा कटक को पालन कर आसंत 10 तारीख दिन जना पड़े प्रकृत में बिहार में किए सरकार करुच्ची किए कहा मुंडर विजयी मुकुट पिंधौं बिहारवासी तो नवंबर 10 से ही जना पड़े स्वप्न निश्चित भाव इमरान आपड़ जो लाइव भिजुआल देखते तेज कोरोना गाइडलाइन सहित समस्त गणतंत्र पर्व को खूब उत्साह सहित मत निजर सब्यस्त करने को पहुंचती तेज बिहारवासी कहा मुंडे विजय मुकुट पिंधाइबे ता आगामी 10 तारीख दिन जनापड़ धन्यवाद इमरान आपण समस्त अपडेट पाई आसवा परवर्ती खबर को पश्चिम बंग पर अमित शाह आखि निर्वाचन को 6 मास बाकी एबेठू प्रस्तुत कला बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ममता गड़ में बाजिमात करने को अमित शाह जोरदार प्रयास बीजेपी शीर्ष नेतृत्व एवठू गड़ जितना प्रस्तुति आरंभ करदेठू निर्वाचन बिगुल बजाय सारी अमित शाह दुईदिनिया पश्चिमबंग गस्तर था अमित शाह प्रथम दिन में ही 200 अधिक आसन जितवा नहीं दृढ़ोक्ति गढ़ी तेज द्वितीय दिन में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजार्चना कर दिन आरंभ कर अवसर में मुख्यमंत्री ममता बानर्जी को टार्गेट कर राज्य में दृष्टिकरण राजनीति होबे पश्चिमबंग निर्वाचन में विशेष गुरुत्व रखती मतुआ संप्रदाय अनुसूचित जातिर सबुठू अधिक जनसंख्या विशिष्ट यह संप्रदाय को मध्य गुरुत्व देउछि बीजेपी कारण राज्य में मतुआ संप्रदायर प्राय 72 लक्ष लोक अच्छा 10 विधानसभा आसन में प्रभाव रही मतुआ संप्रदायर लोके पाकिस्तान आसते नागरिकता संशोधन आईन जरिया से भारत नागरिकता चाहते सीएए लागू होबार विलंब होभोग मध्याह्न भोजन कर निकटतर होगा प्रयास कर पश्चिमबंगे शाह ने गोटे गोटे पदक्षेप ममता भारी पड़वा नहीं जोर धरी चर्चा 27 दिन में पहुंचला श्रमिक आंदोलन केन्दुझर जिला सुआकाठी निकटस्थ गंधमार्दन ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन खणि में मानुआल ट्रक लोडिंग लेबलिंग बंद प्रतिवाद रे श्रमिक माने धारणा देछंती श्रमिक मानू सम्मान न मिलवा जाए आंदोलन जारी रहिबो बोली सेमाने चेतावनी देछंती अन्य पटे प्रतिवाद को समर्थन जणाईछि बीजेपी सेहिपरि पद्मश्री दैतारी नायक मध्य श्रमिक आंदोलन को समर्थन जणाईछंती जो कम बेसी करतुलो लेबलिंग करतुलो तेरपाल टाणतुलो ए काम करिकरि हमर प्रतिपोषण होतुलो किंतु आज को 6 मास हलाणी हमको माइंस रु हटाई दैछंती तार पूर्वर समस्त को लिखित तो दिखाई सब कर्मचारी को ओमसी को दिखाई कलेक्टर एसपी आज केंद्र सरकार राज्य सरकार आज की मान समस्त को जन सारी कहीं न जाणला भाया ना पुह पुतरा मैंने काम करते कम बेसी खटिक खाऊ आम इंटर के बसबू आमको तो किसी सरकार बुझुनी अनेक नेता आस मद बिक्री को नहीं मरणातक आक्रमण अरिंगल गाँ बालियंता थाना निकटरे चोरा मद कारबार होता बेले ग्रामवासी विरोध करते विरोध करने फल मद माफिया माने तांको मरणातक आक्रमण कर घटनारे गाँवर युवक प्रशांत प्रधान और पप्पू गुरुतर भाव आहत होती अंपटे अभोग को ग्रहण करूनी पुलिस जहाक साधारण असंतोष देखाई पुलिस कब्जारे 4 दुर्दांत अपराधी पाटनागढ़ पुलिस सहर में विभिन्न अपराधी संप्रक्त थिबा 4 जन दुर्दांत अपराधी को गिरफ्त करिछि गतमास 15 तारीख में आवाज मेहर एक खेलना पिस्तल धरी स्थानीय मेहरपड़ार अशोक मेहरों ठारु अर्थ दाबी करी भयभीत करते एपरिकी तांको भाई अनिल मेहर को जीवन रु मारिदेबा को धमक मध्य देथिले सेपरि गत 23 तारीख में सहर निकटरे थिबा बर्थला छक आवास और बांजी झालर रंजन बाग छपी रही खपराखोल ब्लक बुढ़ीबाहाल ग्रामर मानस साहू और सायराम साहू को ठारु 3,20,000 टंका लूट करी नहीं थिले ए घटना रे 4 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालन करा जाई छी
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମନମାନି 19 ଦିନ ଅନ୍ଧାରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ରଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୃତଦେହ। 19 ଦିନ ଧରି ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ। ରାଜଧାନୀର ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶବ। ଆୟୁଷରେ ଭଲ ଅଛି କହି ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। 19 ଦିନ ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଠି 19 ଦିନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବୋରଡ଼କଣ୍ଟାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଉତ। ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହି ଆସୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ କେବେ ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୂଚନା। ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ପଚାରିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜବାବ ଥିଲା, ପେସେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ 19 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଆଉ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲେ ରୋଗୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତି ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାରୁ ବାଉନ୍ସର ଡାକି ଶବ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବାରମ୍ବାର ଦୁଇ ଦିନ କହି ଆଜିକି 19 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମେଡିକାଲର ଆଇସିୟୁରୁ ନର୍ମାଲକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ, କୌଣସି ଲୋକ ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଜକୁ 19 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖି ବି ପାରିଲୁ। ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ମୁଁ ମୋହିତ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ହଁ 50% ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ନା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ବି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇନଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି କେୟାର ନେଇକି ଦେଖେଇବି କି କିମ୍ସରେ ଦେଖେଇବି, ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ। ଘରେ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେଠାରୁ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। ହାଇଟେକ୍ରେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିନିଟିରେ କେବଳ ମେଡିସିନରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ହାମରେଜ୍ ହେଇକି ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ କି ନେଗେଟିଭ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖୁ, ତ ସେମ୍ ଡେରେ କରୋନା ସ୍ୱାବ ଯାଏ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ତ ଅଲରେଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଚେକଅପ୍ରେ ବି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ବି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ 19 ଦିନ, କାହିଁକି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ସୂଚନା, ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଲୁଚାଉଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ କି ପୋଲିସ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ବିକାଶର ପୋଥି ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ଏକୁଲ ସେକୁଲ ଗାଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନଗଡ଼ାର ନଜାରା, କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର, ଦିମୁଠା ଭଳିକି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ଆମେ କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନ୍ତୁଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକୁଲ ସେକୁଲ ଗାଁ କଥା। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ 8 କିଲୋମିଟର ବଣ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଏନେଇ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବାସିନ୍ଦା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ ବ୍ଲକର କାନ୍ତୁଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକୁଲ ସିକୁଲ ପୋଟିଦାର ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଭାରର ବୁହା ଯାଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ, ଦୁଇ ମାସରେ ଦୁଇଟା ଭାର ବୁହା ଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ବିଜୁଳି ପାନୀୟ ଜଳ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମରେ କୁଜି ନେତା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଭୋଟ ମାଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯେ ଆମେ 74 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଖଟିଆରେ ବୁହା ଯାଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିମ୍ବା ରୋଗୀକୁ,
प्रशिक्षण किभ दृष्टि दौना कहीं दृष्टि दि जाऊ सब असुविधा रास्ता तो मुख्य मेन रास्ता ना आउ जनसंख्या गाड़ी टे आसी पार नहीं आउ कौन असुविधा थलिकी बोहिकी नौ कुकेरे बोहिकी नौ से गले जाए थलिकी धर गाड़ी आसी पारे ना भी आम भड़ा करौचु आउ कौन असुविधा सुविधा कौन आ कलेक्टर जनइलु पी से मंत्री जहाँ कहल भी कहीं हाँ करवा कहते कहीं किसी भी हो पारे ये प्रफुल्ल मल्लिक आसते कहले ना ये काम हम रास्ता हम रास्ता भी यंत कि रास्ता फास्ता हो पारना कि कौन अनुरोध करूँ कलेक्टर पर्यटन आज्ञा गलु कलेक्टर को जनइलु डीएफ को जनइलु आ क्या जनई पार आम तो गरीब लोक क्या पाखक तो जापर दूर देश को जापरबू ना बड़ बड़ नेता मान को भी कहीपरबू ना तेणु सम्मुखीन पड़ीचु आ विकास अपहंच नेटवर्क पर ग्रामवासी को चढ़ाक पड़े पहाड़ कौन जरूरी कालीन परिस्थिति रे गाँव में पहुंची पारे आंबुलांस निर्वाचन समय रे गाँव में नेता पाद पड़े आ विकास प्रतिश्रुति मिले किंतु यही ही अटकी जाए विकास प्रतिश्रुति टावर कड़े फोन फान कर जो गरीब महिला मैंने जो प्रसव करने जाऊँच मैंने कौन से गोटे डक्टर पाखक नापी सुविधा ना गोटे आंबुलांस फोन कराला सी कहते बो आना तल बई ने सर जीवन थी से मरिया देख रास्ता मैंने गाड़ी किसी आसी पार्वली आम छुआ धरिकी चाउल धरिकी आम आसन चाउल गाड़ी जो गाड़ी भी आसे मना करपट पार करने आम एत बड़ नदी आम नदी में छुआ धरिकी एम पार हो चाउल धरिकी आसचु से आम तो कैसे कुआ कुई कलु रास्ता पिछुड़ी नाई के कुहारी कलु कि आम कथा मैंने कहीं शुणु ना केबे बदलिबो गाँर भाग्य ना भूगोल पोथी भितर ही हजिजिबो गाँर चित्र ढेंकानाल कंकड़ाहाड़ सूर्यकांत बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज आसिबा परवर्ती खबर को कोरोना काल रे मारुछि प्रदूषण दिल्ली रे एबे वायु अत्यंत खराब स्थिति रे पहुंचिछि प्रदूषण चलित वर्ष समस्त रेकर्ड भांगिछि एक्यूआई 400 अतिक्रम करछि जहाँ कुने सुप्रीम कोर्ट को कड़ा चेतावनी देछंती कहिछंती प्रदूषण ह्रास पाए निया जाउ शीघ्र पदक्षेप प्रशासनिक शासन कल एवं अर्थ बल थाई मध्य काहिंकि दिल्ली रे प्रदूषण को रोक रोका जाई पारुना ही से नै कड़ा टिप्पणी रखिछंती सोलिटर जनरल कोरोना काल रे मारुछि प्रदूषण दिल्ली रे उड़ुछि विषाक्त वायु द्वार आस्तरण रे देशर राजधानी एक्यूआई 450 पार एनसीआर रे स्थिति संगीत दिल्लीर आनंद विहार थिबा एयर क्वालिटी इंडेक्स रहिछि 442 आरके पुरम रे 407 द्वारका रे 421 एवं बावान रे 430 रहिछि जहाँ को गुरुतर वर्ग भाव रे विवेचना करा जाए दिल्ली का पोल्यूशन तो ये हर साल इस मौसम में अक्टूबर नवंबर के मौसम में हर साल ये दिक्कतें आती हैं चाहे वो पराली जलाने से कह लो या दिल्ली के जो वाहनों का जो प्रदूषण है उसकी वजह से कह लो ये दिक्कत तो है दिल्ली में नहीं नहीं दिल्ली सरकार तो जैसे रोड पे मदाड़ी खेला दिखाता है पुड़िया बेचता है दो दो रुपए की बेवकूफ़ बना के चला जाता है वही हाल है चुनाव के समय में आते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं चले जाते हैं अब बिजली पानी अब आज देख लो क्या हाल है कुछ नहीं दिल्ली के पोल्यूशन से तो हर इंसान परेशान है और एक नागरिक होने के रीज़न से जो हमारा कर्तव्य बनता है वो हमें भी पूरा करना चाहिए जो मेरे ख्याल से इट बिकम्स ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न टू डू देयर पार्ट पॉल्यूशन को लेके जो भी दिल्ली सरकार कर रही है जो स्टेप्स ले रही है उनकी कोशिश तो अच्छी है बट यही है कि कितने लोग उस चीज़ को मानते हैं कितने लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है बाकी तो देखिए पंजाब हरियाणा वालों से बोलिए कि थोड़ा सा पैडी को कम जलाएं या कुछ और डिफरेंट मेजर्स लेके आए तो शायद उनके हमारे नेबरिंग स्टेट्स के कारण दिल्ली वाले थोड़ी अच्छी सांस ले पाए दिल्ली गवर्नमेंट का तरफ से जो एक कमी ये रही है कि उन लोगों की जो पकड़ है सिर्फ जो रोड पे चल रहे हैं उनके ऊपर है लेकिन जिनके ऊपर अभी तक पकड़ नहीं बना पाए हैं छः साल के अंदर अगर ये ग्राउंड लेवल पे वर्क करते या इनके साथ जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे सिविल डिफेंस है या आपका दिल्ली पुलिस है अगर ये सब मिलके अगर बीट ऑफिसर भी एक नज़र रखता या दिल्ली पुलिस की तरफ से नज़र रखी जाती नीचे कि नीचे स्तर पर क्या तो उसमें क्या होता कि लोकल सपोर्ट मिलता अभी सब ये लोग ले रहे हैं सिर्फ गाड़ियों का कि गाड़ी को ऑन ऑफ कर दो ठीक है होगा लेकिन 100 में से 30% मैक्सिमम आप लेके चलें कि 30% पॉल्यूशन गाड़ियों का होगा 40 होगा 50 होगा लेकिन जो आधा 50 है उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे क्योंकि लोकल तो स्तर पे जो है ग्राउंड जो है उनको ये कवर नहीं कर पा रहे
दिल्लीर एवं वायु अत्यंत खराब स्थिति में पहुंची प्रदूषण चलित बर्ष समस्त रेकर्ड भांगी एक्यूआई 400 अतिक्रम करछि जहाँ सुप्रीम कोर्ट कड़ा चेतावनी प्रदूषण ह्रास शीघ्र पदक्षेप अदालत रे सुनानी समय रे प्रधान विचारपति कहिछन्ति जे प्रदूषण प्रसंग रे अनेक कमिशन कार्य करछन्ति किंतु शहर रे धुआं नाही बोली सेमाने प्रमाण करबा आवश्यक प्रशासनिक शासन कला एवं अर्थ बल थाई मध्य काहिकि दिल्ली रे प्रदूषण को रोका जाय पारि नाही से नै कड़ा टिप्पणी करछन्ति सॉलिसिटर जनरल सेपरि सरकार को कोर्ट रे कहा जायथिला जे वायुर गुणवत्ता उपरे निर्मित कमिशन आजिठारो कार्य आरंभ करिवे जहां सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करिवे अन्यपटे दिल्ली रे प्रदूषण प्रसंग रे कार्य करबा को केंद्र सरकार एक कमिटी गठन करछंती ए कमिटी रे कार्यकाल 3 वर्ष पर्यंत रहइबो जो प्रदूषण की समस्या है उसका ठीक प्रबंधन करने के लिए एक सरकार ने अध्यादेश निकालकर आयोग की स्थापना की है इस आयोग के अध्यक्षता पेट्रोलियम के पूर्व सचिव और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एमएम कुट्टी करेंगे अब ये जल्दी काम शुरू करेगा सबके साथ सबको साथ लेकर और आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों को और राज्यों को भी साथ लेकर उत्तर भारत में जो प्रदूषण होता है और खासकर दिल्ली और नजदीक के शहरों का जो एयर शेड है उस एयर शेड के प्रदूषण को मात देने के लिए आवश्यक उपाय और कार्रवाई ये आयोग करेगा दिल्ली रे वर्तमान स्थिति रे एक्यूआई बा वायु रे प्रदूषण मात्रा वृद्धि पाइछि निकट रे प्रदूषण समस्या को दृष्टि रखि दिल्ली सरकार दीपावली रे बाण फुटाइबा उपरे प्रतिबंधक लगाइबा को निष्पत्ति निछन्ति दिल्ली रु गगन विश्वाळंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज बर्तमान अर्गस अपडेट रे समय सरिछि अधिक खबर पाई आम वेबसाइट विजिट करि परिबे अर्गस न्यूज नमस्कार।